सो पीपल दैट्स योर बॉयंस को काटे यो वाचिंग को काटे व्लॉग सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप मेरी तरह अच्छे ही होंगे। काफी अच्छा लग रहा है कि काफी एक्साइटेड हूँ कि इतने दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, करीबन डेढ़ दो महीने बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आई होप ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर भी अपन ने इसी जगह पे यही लोकेशन पे आके आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करा था और उस साल अपन ने बहुत सारी चीजें अचीव करी है, बहुत सारी चीजें सीखी है। तो इस साल की भी नई शुरुआत करने के लिए अपन वापस से यहीं पे आ गए और मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे ढेर सारे सवाल होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ गया था, व्लॉग क्यों डाल रहा था। तो इस बार मेरे पास जेन्युइन रीजन है देने का कि इस बार मेरे सेमेस्टर एग्जाम थे वो भी ऑफलाइन, तो इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रहा था मैं। सो गाइस अब आज की वीडियो की बात करें तो आपको पता है अभी मकर संक्रांति आने वाली है और मैं मकर संक्रांति फेस्टिवल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, तो आज अपन वही पतंग और मांझा लेने जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको भी ले जाया जाए, आपको भी बताया जाए कि इंदौर में सबसे सस्ती पतंग और मांझा कहाँ पे मिलता है, तो अपन जाएंगे पूरा देखेंगे। और अपन आज जगह जा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है, अब वो क्यों स्पेशल जगह है मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे जाके ही। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें चलो चलते हैं। सो गाइस जैसा कि मैं आपको बताने वाला था ना कि ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये जगह काचीमौला है। आपको पता ही होगा कि मैंने स्टार्टिंग में जब इनिशियल बेसिस पे मेरी सेकंड वीडियो डली थी जब मैंने यहाँ की बनाई थी काचीमौला की चीपेस्ट काइट मार्केट, तो वो दो दिन में करीबन 5000 व्यूज़ गए थे उसके। मतलब पहली वीडियो मेरी जो वायरल हुई थी वो काचीमौला की थी, दो दिन में उसको 5000 व्यूज़ आना मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, उसको 5000 व्यूज़ आ गए थे। तो मतलब ऐसा लगा था कि यार सही यार यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ जाते, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यार करा जाए, तो इसी वजह से आज भी मैं अभी तक ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फाइनली गाइस मैं काचीमौला पहुंच चुका था, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी जगह है यहाँ पे। तो इसका एड्रेस है ये जेल रोड के पीछे, तो अपन देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे काइट्स के वो शॉप्स लगी, तो अपन देखेंगे इस बार क्या रेट है, तो अपन एक्सप्लोर करते हैं। तो पहली दुकान में आया हूँ, तो भाई आपकी शॉप का नाम क्या है? रफीक पतंग हाउस। तो भाई आपका नाम? सादिक। तो भैया आपके पास कौन कौन सी पतंग की वैरायटी है मेरे को बताएंगे थोड़ा? भैया जोधपुरी है। अच्छा ये जोधपुरी है, तो ये क्या रेट की पतंग है? 4 रुपये एक की। हाँ और ये 5 रुपये इससे बड़ा जोधपुरी, इससे बड़ा 5 रुपये, ये 8 रुपये उससे बड़ा। ये बटर पेपर है कि जोधपुरी है? ये जर्मनी ताव। जर्मनी ताव। ये क्या रेट का? 8 रुपये का। 8 रुपये का एक। और ये एक के रेट है कि 4-5 के रेट है? एक का ही रेट है। अच्छा एक पतंग का रेट है। हाँ। और जो होलसेल में लेगा तो उनके लिए क्या रेट है? वो ये होलसेल के रेट होता है। अच्छा होलसेल के, मतलब होलसेल का ही काम है। तो मिनिमम कितने पतंग लेना चाहिए यहाँ से, मतलब जो रेट होगा? 50-100 बस। 50-100 पतंग, 10-20 पतंग में भी अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। ये पीछे मेरे को बहुत सारी पतंग दिख रही है, तो इनके क्या रेट से? 25 रुपये का बन जा। कितने का? 25 रुपये का 5। अच्छा 25 के 5। और ये लगे हुए हैं ये भी 25 के, ये भी 25 के 5 है। अच्छा 25, ये 20 के 5 है, 20 के 5, ये 25 के 5 है। ओके ये 25 के 5 है, ये लगे हुए इधर, ये सब 30 रुपये के 5 है। अच्छा 30 रुपये के 5 है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी वैरायटी में, कितनी सारी वैरायटी आपको दिख जाएगी, डिजाइन दिख जाएगी, ये सब 25 के 5 है। चमक में पन्नी है ये जो अट्रैक्ट करती है बच्चों को, 4 रुपये की एक है। 4 रुपये की एक है। हाँ। ये 20 की 5। हाँ। ओके ओके। और ये बहुत सारी पीछे पतंग दिख रही है सब, ये क्या है इनका? ये जोधपुरी, ये सब माल मतलब वैरायटी वाला मामला। ओके ओके जोधपुरी पतंग है। अधिकतर किसको 100 लेना हो तो उसके क्या पतंग के कुछ रेट हो जाएंगे, कुछ बार्गेनिंग है इसमें? थोड़े 150 का। अच्छा 50, मतलब जैसे जो 5 वाला पतंग है। अच्छा जो 5 रुपये का बिकता है वो 3.5 रुपये में देंगे अपन। ओके ओके ठीक है ना, उसके 5 रुपये बिकता। अच्छा अच्छा। 350 का 100 देते अपन। हाँ वो जो 7-7 रुपये का बिकता वो अपन 450 का देते। ओके ओके। और आपके पन्नी की पतंग है? पन्नी भी है ना, पन्नी बताई थी ना मैंने आपको, चमकी। अच्छा पन्नी में सिर्फ यही एक ही वैरायटी है? एक ही वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी मतलब घर पर रखी हुई है। अच्छा ये ज्यादा सेल होती है? ये ज्यादा सेल होती है। इसका क्या प्राइस बताया था आपने? ये 4 रुपये की है। 4 रुपये की है। ओके ओके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली मांझे भी बहुत सारे, ये क्या रेट्स के? ये भैया 60-70-80-50-10-20 और धागे आपके पास नहीं है अभी? धागे धागे नहीं रख रहा। बाय चांस किसको चाहिए तो आप अवेलेबल करवा दोगे ना? अवेलेबल हो जाते हैं। ओके ओके। आपकी शॉप का नाम और एक बार एड्रेस बता दीजिए नाम। रफीक भाई पतंग हाउस काचीमौला। ओके थैंक यू। मेरा नाम सादिक शेख। ओके थैंक यू। सो
सेकंड शॉप पे चलते हैं तो भैया आपकी शॉप का नाम क्या है? रफी सा पतंग। रफी, तो आपका मतलब ये यहाँ पे बहुत सारी पतंग की वैरायटी दिख रही है, आप बता सकते हैं आपके कौन कौन सी रेट की पतंग है? सब अलग अलग वैरायटी है, जैसे ये है ये 20 रुपए का पाँच, ये 20 रुपए का पाँच आप देख सकते हो पन्नी में कितनी सही वैरायटी है, 20 रुपए की पाँच, मतलब एक ये पाँच 4 रुपए की पड़ेगी, 4 रुपए की एक पड़ेगी, और कोई बेचने वाला आता लेने वाला आता है तो 350 रुपए की 100 देते, 350 रुपए की 100 का भी आप 100 लेगे मिनिमम तो ओके। और ये पीछे इतने बड़े बड़े पतंग दिख रहे हैं, ये क्या रेट्स के हैं? ये वो अलग अलग रेट्स के हैं, बड़े पतंग है बाहर का माल है। तो क्या है तो भी प्राइस उनका? करीब 100 रुपए के पाँच पतंग है, 100 रुपए के पाँच पतंग, मतलब एक 20 रुपए का, 30 रुपए का, और ये होलसेल रेट है ना? हाँ होलसेल। तो ये मतलब रिटेल में कितने में बिकता हुआ एक ये? रिटेल में 40 रुपए का एक पतंग बिकता, 200 रुपए का पांच पतंग। ओके ओके। और ये दिख रहा है पन्नी में वैरायटी, ये क्या रेट का? ये 30 रुपए का पांच पतंग। अच्छा, ये 30 रुपए के पांच है, काफी हैवी क्वालिटी की पन्नी थी इसमें। बाकी गाइस इनके अब धागा भी आप देख सकते हो, ये धागा भी कौन कौन क्या है रेट का? ये सब काटन है, कॉटन का। तो क्या रेट है इनका? 300 रुपए रील है, 6 रील आती है इसमें, 300 रुपए का गट्टा। अच्छा ओके, तो एक गट्टा 600 रुपए का, 300 रुपए, 300 रुपए का, उसमें 6 रील आती है, 6 रील है। और गाइस इनके पास देखो फैंसी पतंग भी आप देख सकते हो, ये क्या ये मतलब उड़ती है इंदौर में? उड़ती है ना। तो ये क्या रेट की है? ये 200 रुपए की, 200 रुपए की एक पतंग है। ओके ओके। और ये देखो गाइस, ये घर में सजाने के लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ भी रखी हुई है, और ये बहुत सारी वैरायटी की पतंग है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी की कमी नहीं है, देखो इतनी सारी पतंग है, और क्वांटिटी भी आप भैया को जितनी बोलोगे उतनी आपको निकाल देंगे। भैया ये क्या रेट्स की पतंग नॉर्मली पन्नी वाली? ये 2.5 रुपए की पड़ेगी, 2.5 रुपए की एक, और होलसेल में ज़्यादा लेंगे 100 एक, तो ये 2.5 रुपए होलसेल रेट ही बताया, 200 रुपए 100 लेंगे तो 250 रुपए की 100, ओके 15 के 5 बिकते हैं। ओके, बाकी आप देख सकते हो कपड़े में कितनी सारी वैरायटी है भैया के पास। भैया इनका क्या रेट से बड़ी पतंग का ये कपड़े में? वो बड़ी वाली का है 300 रुपए, और वो चील है बड़ी वाली वो 300 रुपए, वो भी 300 रुपए की। और ये पन्नी की बहुत बड़ी पतंग, इसका क्या रेट है? ये 150 के 5 है, 150 के 5। ओके ओके। और आपकी शॉप पे कोई आना चाहे तो आप एक बार एड्रेस बता दीजिए ना, और आपका नाम? नफीसा पतंग हाउस, 63 मेवाती मोहल्ला, अलका ज्योति टाकिज के पीछे। ओके ओके, थैंक यू। गाइस जैसा कि आपने देखा, अपने दो शॉप को एक्सप्लोर करा, आपको एक मोटा मोटा अप्रॉक्स रेट का तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस रेट की पतंग है। बाकी हमने भी 100 पतंग ली जोधपुरी, आप हमको भैया ने तो अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, मैं रेट नहीं बताऊंगा हमको कितने में ली हमने, बाकी तो अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया। आप यहाँ पे आओगे तो आपको भैया, आप मेरा नाम लोगे तो भैया आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो बस अब गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करके बताना कि मकर संक्रांति का सेलिब्रेट वाला व्लॉग बनाए कि नहीं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। सो थैंक्स फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देयर गुड बाय।